ये है कोलकाता का श्री भूमि। अभी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ का पंडाल। यहाँ का पंडाल का थीम वेटिकन सिटी का है और इसको देखने के लिए यहाँ पर भी लोग लाखों की संख्या में आए हुए हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। हर बार की तरह इस बार भी श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में एक नया थीम देखने को मिल रहा है, जो कि वेटिकन सिटी का है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अभी अभी हमें पता चला है यहाँ पर बंगाली सिनेमा के कुछ सुपरस्टार्स भी आए हुए हैं, तो उनको भी देखने का अवसर मिलेगा। बाकी यहाँ पर भीड़ की संख्या आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, और फिलहाल काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। भीड़ थोड़ा सा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी रात यहाँ पर कितने लोग दर्शन में आए होंगे। जब से यहाँ पर पंडाल का दर्शन शुरू हुआ है, तब से अभी तक कितने लोग आकर के चले गए हैं। अभी रात का 1:38 हुआ है और अभी इतना ज़्यादा भीड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी रात कितना ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो गाइस, ये है वेटिकन सिटी का थीम, जो कि कोलकाता के श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब वालों ने इस बार बनाया है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। वेटिकन सिटी यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है और इसका क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरह स्वतंत्र है, और यह इटली के रोम नगर में बसा हुआ है और रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर यही है। बाकी आप इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लें और हम अंदर भी चलेंगे, अंदर का भी दर्शन करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, और सीन का मज़ा लीजिए। बाकी यहाँ पर लेफ्ट में आपको स्टेज में ये आपको जो दो लेडीज़ दिख रही हैं, यही है वो सुपरस्टार हैं जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया था, जिनके बारे में मुझे पता चला था कि कोई सुपरस्टार यहाँ पर आने वाले हैं। बाकी मुझे तो पता नहीं है ये कौन है,
अगर आप इन्हें जानते हो पहचानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा। बाकी आप इनको देख लें। लगभग 2.25 घंटे के बाद फाइनली हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं, और अभी का टाइम हो रहा है रात का 2:30 बजा हुआ है, और समझ सकते हैं मैंने जो शुरू में कान दिखाया था समय पहले ही लाइन में थे। बस हम जो थे और स्टार्टिंग के टाइम पे मैं टाइम दिखा नहीं पाया था कि हम कब लाइन में आए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि दिखाना चाहिए। तो जब मैं टाइम दिखाया उस समय से अभी तक लगभग 1.25 घंटा से ज़्यादा हुआ है। हमें तो पता नहीं, पर बंगाली सिनेमा की कोई सुपरस्टार आए हुए थे, हीरोइन भी थी, हीरो भी था, पता नहीं कौन सुपरस्टार थे जो स्टेज में आपको दिखे होंगे। अगर आप उन्हें पहचानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं बंगाली सिनेमा देखता नहीं हूँ। बाकी यहाँ के लोकल लोग बात कर रहे थे इस चीज़ का, इसलिए मैंने भी थोड़ा बहुत क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। बाकी चलते हैं अब यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से थक चुके हैं। ऊपर से ये बैग है भारी सा, दिखाएंगे अभी तो, और भी बहुत कुछ देखना है, अभी तो आधी रात बाकी है, अभी तो और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। सामने क्लॉक टावर जिसमें टाइम दिखा रहा है 2:45, बिल्कुल सही है। उनको तो लग रहा फिर वहीं जाए। फाइनली गाइस, बहुत मुश्किल से फिर से बाहर आए हैं, और मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए। जो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को बने रहिए, ताकि इसी तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने भाई का सपोर्ट कीजिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम अगर फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।